प्रेम और प्रीति हमारे इस प्रतिस्पर्धा प्रतिष्ठा और प्रदर्शन से हमें बचा सकती है। हम वो अपने जीवन में विकसित करें। प्राणी मात्र से प्रेम और भगवान के प्रति अनुराग, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, ये दो ही चीजें हमें इन चीजों से बचा सकती हैं। जिसका सबसे प्रेम है वो दूसरे को पीछे हटा करके खुद आगे बढ़ने के लिए कोशिश क्यों करेगा? किस बात की प्रतिष्ठा? अपने लोगों के बीच में क्या प्रतिष्ठा? अपने लोग हैं तो उनके बीच क्या प्रदर्शन? तो अगर सब हमारे अपने हों तो इन सब चीजों की आवश्यकता क्या रह जाएगी? और जिसकी भगवान के प्रति श्रद्धा है, जिनकी भगवत्ता के प्रति प्रीति है, अनुराग है, उनके मन में भी ये विकृतियां ज्यादा देर नहीं ठहरती हैं, ये अपने आप हट जाती हैं और वो भगवान के प्रति अनुराग कैसा होना चाहिए, कितने हमारे परिणाम निर्मल होना चाहिए, मैं तो सोचता रहता हूं, देखता रहता हूं अपने जीवन में भी और अपने आसपास में भी। और कई बार ऐसा लगता है कि कितना भी करो, कितना भी कहो, कितना भी अच्छा परिवेश निर्मित हो जाए, लेकिन व्यक्ति की मानसिकता बदलना संभव नहीं है। व्यक्ति का जो अपना सोच का स्तर है वो उतना ही रहता है, अगर घटिया है तो घटिया ही रहता है। वो अच्छी संगति पा लेता है तब भी उसके जीवन में कोई बहुत बहुत मेजर चेंजेस नहीं आते। पता नहीं हमारे उपादान की कमी है या कि जो बाह्य निमित्त हैं वे ही इतने सशक्त नहीं है कि हमारे जीवन को परिवर्तित कर दें। कितना कुछ तो हमें है सौभाग्य से मिला हुआ है। भगवान जिनेंद्र की शरण में हम हैं, उनकी कही हुई सर्व कल्याणी वाणी का रोज आस्वादन कर रहे हैं। उनकी वाणी के अनुसार चलने वाले साधकों के चरणों में बैठकर हम रोज अपने जीवन में धर्म कर रहे हैं, धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी चेतना में जैसी उज्ज्वलता और निर्मलता आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। तो क्या कहें हम, निमित्त कमजोर नहीं है, हमारे उपादान में ही अभी बहुत कमी है। हमें अपनी इस चेतना को स्वयं परिष्कृत करना चाहिए। भाई अब तो थोड़ा समय और शेष रहा और फिर पता नहीं फिर कभी कोई और आएगा और शायद हम सब के लिए अपनी चेतना को परिष्कृत करने की बात कहेगा। अभी नहीं कर पाओ तो किसी और के आने से कर लेना, पर कर लेना भाई, एक ही काम करने का है जीवन में कि जितना हो सके अपनी चेतना को विकसित करके इन क्षुद्र बातों में न उलझ करके अपने उस विराट स्वरूप की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये सम्मान, ये अपमान, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये धन संपदा वैभव और इस सब का आडंबर, ये सब एक क्षण का है। वो एक क्षण जब तक हमारी सांसों का है, एक क्षण के बाद वे सांसें गायब हो जाती हैं, तो ये सब यहीं के यहीं होते हुए भी नहीं हुए के समान हो जाता है। ये विचार करना चाहिए।